हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SBI बैंक भी बोलते हैं और SBI भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर मैं उसका खुला हुआ है और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है अकाउंट से, ठीक है, तो अगर मैं उसके बाद भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता है, SMS नहीं आता है, तो उसको क्या कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में वही बताएंगे कि आपको क्या करना है और कैसे आप उसको यस या नो करेंगे। तो क्या रहता है कि वो नो पर आता है, आपको यस करना है। तो अभी हम बता देते हैं, पर आपको है इंटरनेट बैंकिंग से करना है। अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे कि आप SMS के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो OTP आने लगेगा। तो चलिए, हम अभी इंटरनेट बैंकिंग से दिखाने वाले, चलिए शुरू करते हैं। और इसका लिंक हम नीचे दिए हुए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे www.onlinesbi.co, इसका लिंक जहाँ पर कमेंट करते हैं इसका लिंक हम दिए हैं, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन रहता है लेफ्ट साइड पे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन रहेगा राइट साइड में, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये अपना जो भी यूजर आईडी है वो डालना है और जो भी उसका लॉगिन पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन करना है। तो जो भी है आपको डाल के लॉगिन करना है। तो चलिए अभी हम अपना डाल लेते हैं, और डालने के बाद हम लॉगिन कर दिए हैं। उसके बाद देखिए हम इंटरनेट बैंकिंग में अपने लॉगिन हो गए हैं। तो उसके बाद आपको आना है, देखिए माई अकाउंट प्रोफाइल इधर है ये लेफ्ट साइड की तरफ, और उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए प्रोफाइल का रहता है एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपको। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हाई सिक्योरिटी, यहाँ पर आएगा हाई सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड, जो भी आपका प्रोफाइल पासवर्ड है वो डाल लेना है, और नहीं है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए प्रोफाइल पासवर्ड जो भी है अपना डाल लेना है, तो हम अपना डाल लेते हैं। अगर मैं आपके पास नहीं है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम सबमिट करते हैं, देखिए हम फिल कर देंगे अपना पासवर्ड का और हम सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए यस या नो, यस यस यस, SMS, तो इस तरह का रहेगा। तो आपको देखिए ये नो पर आएगा, तो आपको इस साइड यस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो टिक मार्क लग जाएगा यस पे, और देखिए अभी हमें यस कर दिया। उसके बाद हम सबमिट करते हैं। तो जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ यहाँ पे रिसीव द ऑन टाइम पासवर्ड, ये सब मतलब सक्सेसफुल हो गया है, और आपका मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड है उस पर SMS आना चालू हो जाएगा। तो मतलब ये सक्सेसफुल हो गया है। तो आप लोग भी अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होने के बाद ये सब कर सकते हैं, और SMS के थ्रू कैसे करना है हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जानना है तो आप हमसे कमेंट में करके लिंक ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आया करते हैं, और SBI का जितना भी मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग है उसका वीडियो हम लेके आया करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय हिंद जय भारत।